नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि संगीत में हम रोज़गार कैसे पा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि सभी क्षेत्र में जिस तरीके के रोज़गार के अवसर हैं, वैसे संगीत में रोज़गार के अवसर या सरकारी नौकरी के अवसर नहीं हैं, पर ऐसा सोचना गलत है। संगीत में भी अपार संभावनाएं हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। संगीत में सरकारी नौकरी के कई पद ऐसे निकलते हैं जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं और हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। संगीत में सबसे पहले तो टीचिंग जॉब, संगीत में संगीत टीचर की वैकेंसीज निकलती हैं, उनके फॉर्म आप भर के अप्लाई करके आप संगीत टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी संगीत टीचर, टीजीटी संगीत टीचर, पीजीटी संगीत टीचर और बाद में डिग्री कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं टीचिंग के लिए क्या क्या मानक हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि एज ए संगतकार अगर आप तबला, सारंगी, गिटार, शहनाई कोई भी वाद्य बजा लेते हैं तो आप एज ए संगतकार के रूप में भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। संगतकार के लिए भी कई वैकेंसीज आती हैं। कॉलेजेस में, स्कूलों में जब संगीत टीचर विद्यार्थियों को सिखाती है तो उसमें साथ में तबले की संगत करने के लिए संगतकार की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरीके की वैकेंसीज भी बहुत आती हैं। आप इनमें अप्लाई करके एज ए संगतकार की नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और इनकी सैलरी भी लगभग 22 से 25 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद कई एक्टिविटीज़ में, रेलवेज़ में जगह निकलती हैं। रेलवेज़ का भी कोटा होता है, सांस्कृतिक कोटा, जिसमें वो वैकेंसीज़ निकालता है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे वो इलाहाबाद से प्रयाग संगीत समिति का हो या फिर लखनऊ भातखंडे सम विश्वविद्यालय का हो या फिर आप एकेडमिक रूप से ग्रेजुएशन तक आपने म्यूज़िक लिया हो, ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेलवे जब सांस्कृतिक प्रोग्राम कराता है तो आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम करना होता है और बाद में आप रोज़ के दिनों में कुछ ऑफिशियली वर्क आपको दिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं। तो रेलवेज़ सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत निकली वैकेंसीज को भी अप्लाई करके आप सरकारी नौकरी संगीत में पा सकते हैं। इसके लिए मैंने जैसा कि बताया कि डिप्लोमा ज़रूरी है और या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल तक संगीत लिया हो। संगीत के बारे में मैं जो बता रही हूँ वो संगीत, गायन, वादन, नृत्य तीनों ही क्षेत्रों के लिए अप्लाई होता है, यानी तीनों ही क्षेत्रों में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद साउंड इंजीनियर की भी वैकेंसीज आती हैं बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में या फिर संगीत के टोटली जो संगीत का विश्वविद्यालय है, संगीत के विद्यापीठ हैं, उनमें साउंड इंजीनियर की जगहें निकलती हैं। वे जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो एक ऑपरेटर रखा जाता है कि कैसे माइक को का मैनेजमेंट करना है, वॉल्यूम कैसे रखनी है, तो ये साउंड इंजीनियर की वैकेंसीज भी आती हैं। इनकी भी सैलरी 20-22 हज़ार से स्टार्टिंग होती है और इन्हें भी आप साउंड इंजीनियर की वैकेंसीज में भी अप्लाई करके आप एक अच्छा रोज़गार पा सकते हैं, एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें आप संगीत के द्वारा सरकारी नौकरी पा सकते हैं, जैसे टीचिंग, संगतकार के रूप में, साउंड इंजीनियर के रूप में और सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत निकली वैकेंसीज पर अप्लाई करके। अब मैं बताना चाहूँगी कि टीचिंग जॉब में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे आप टीचिंग के फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालयों में PRT संगीत टीचर की
बहुत सी वैकेंसीज़ आती हैं। जो लोग कहते हैं कि म्यूज़िक की वैकेंसी नहीं आती, वे गलत कहते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके अंदर लगन है, चाहत है, तो सरकारी नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। बस मेहनत और लगन की ज़रूरत है। कहते नहीं हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो जहाँ आपकी चाहत है, आपकी लगन है, आपकी मेहनत है, वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो केंद्रीय विद्यालयों में संगीत टीचर की वैकेंसीज़ आती हैं। पीआरटी लेवल पर उनको पीआरटी का स्केल मिलता है। इसकी भी स्टार्टिंग 42 से 44 हज़ार से स्टार्टिंग होती है पीआरटी के संगीत टीचर की केंद्रीय विद्यालय में। इसके बाद अलग अलग स्टेट के टीजीटी पीजीटी के भी फॉर्म आते हैं। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक टीचर। ऐसे टीचर इंटर स्कूलों में पढ़ाते हैं, पर वो 10th लेवल तक पढ़ाते हैं, इसीलिए उन्हें टीजीटी कहा जाता है। इसमें भी बहुत वैकेंसीज़ आती हैं। इसमें आप अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही अलग अलग स्टेट में टीजीटी पीजीटी का जो पेपर का पैटर्न है वो अलग अलग आता है। जैसे यूपी को अगर हम लेते हैं, तो टीजीटी में या पीजीटी में, दोनों में ही आपके संगीत से रिलेटेड 125 क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें आपको करना होता है, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। लेकिन अदर स्टेट में संगीत से संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं, साथ में 30-35, कहीं 40 और कहीं कहीं पे 100 क्वेश्चन जीके के भी आते हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, इस टाइप से आते हैं। जैसे कि दिल्ली पीजीटी में जीके प्लस म्यूज़िक दोनों ही आता है, और दिल्ली पीजीटी में जो पहला पेपर आपका जो जीके रीजनिंग का होता है, उसको क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आपका म्यूज़िक का पेपर चेक होगा। तो इस तरीके से टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई करके आप टीजीटी यानी 10th तक के क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी इंटर तक के क्लासेस को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। टीजीटी का भी स्केल जो नई ज्वाइनिंग अब हो रही है वो 50,000-52,000 से हो रही है, और इसी तरीके से पीजीटी की स्केल भी अब बढ़ी है, और जो नई ज्वाइनिंग हो रही है वो 58,000 से 60,000 के लगभग हो रही है। इसके बाद हम आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एमए होना तो ज़रूरी है ही, साथ में यूजीसी एक परीक्षा कराता है, यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूजीसी नेट को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है आपको। आपको जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है और आप सिर्फ नेट होते हैं, और अगर कोई विद्यार्थी कोई कैंडिडेट अगर पीएचडी भी है तो थोड़ा उसको प्रेफरेंस दी जाती है आगे प्रमोशन वगैरह में। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें, और अपना एमए कंप्लीट करें, यूजीसी नेट करें, और प्लस पीएचडी के लिए अप्लाई करें। यूजीसी नेट में एक तो सिर्फ आप नेट कर सकते हैं, और अगर आपकी मेरिट में अच्छी रैंक आती है तो आपको यूजीसी जेआरएफ मिलती है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको इसमें सरकार द्वारा आपको हर महीने कुछ पेमेंट मिलती है, जो आपको पीएचडी करने के लिए मिलती है, और आप पीएचडी करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और पीएचडी करने के लिए सरकार आपको ये अनुदान देती है। तो इस तरीके से यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप एलिजिबल तो हो ही जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन पीएचडी करते हैं तो आपको आगे प्रमोशंस वगैरह में वरीयता दी जाती है। जैसे कि हम सुनते हैं प्रोफेसर कोई है, तो ये प्रोफेसर कोई अचानक से नहीं बनता, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद फिर प्रोफेसर बनता है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने में लगभग 8 से 10 साल, कभी कभी 12 साल लग ही जाते हैं। और इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब जो कर रहे हैं, उनकी नई ज्वाइनिंग 75 से 80 हज़ार के लगभग होती है,
और यही जब प्रमोट होते होते प्रोफेसर बनते हैं तो उनकी भी सैलरी 1.25 लाख या 1.5 लाख तक पहुंच जाती है, और साथ में मान सम्मान UGC द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे कार्य करने का भी मौका मिलता है, और और संगीत के क्षेत्र में बहुत सा कार्य करने का मौका मिलता है, मान सम्मान मिलता है, अच्छा पद मिलता है। तो ये मैंने बताया आपको कि क्या 4-5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिन पे आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, और ख़ास तौर पे टीचिंग जॉब में आप प्राइमरी से लेके डिग्री कॉलेज तक कैसे आप एक टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर, 10th लेवल का टीचर यानी TGT टीचर, इंटर लेवल का यानी कि PGT टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो पहले तो संगीत सीखते ही समय आप अपना एक ध्येय बना लें कि हमें सरकारी नौकरी पानी है, क्योंकि संगीत में दो क्षेत्र हो जाते हैं, दो क्या मैं कहती हूँ कि कई क्षेत्र होते हैं जिनमें हम आगे बढ़ सकते हैं। संगीत में सरकारी नौकरी प्राप्त करना, संगीत में एक एज ए आर्टिस्ट बनना, या फिर और भी नाट्य कला में जाना, नृत्य कला में जाना, तो एज ए आर्टिस्ट बनना तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उसमें एक निश्चय नहीं है, उसमें एक निश्चित सफलता मिलेगी आपको ऐसा निश्चित नहीं होता। इसलिए मेरा कहना आपसे ये है कि आप अगर संगीत सीख रहे हैं तो एक ध्येय बनाइए कि मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि अर्थ युग में यदि आपके पास अर्थ है तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आप पहले सरकारी नौकरी पाइए और उसके बाद आप एज ए आर्टिस्ट के लिए अपने आप को तैयार करिए, रियाज करिए, आगे किसी गुरुजन से, बहुत ही अच्छे गुरुजन का अगर हाथ आपके ऊपर आ जाए तो उनसे सीखिए। और संगीत तो एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा ज्ञान है जो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, और जीवन पर्यंत संगीत सीखकर ही एक अनुभवी शिक्षक और एक अनुभवी कलाकार बना जा सकता है। तो दोस्तों मुझे आशा है इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिला होगा। अपने अगले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।